सभी नायक सेक्टर की तरफ से। सबसे पहले अपना मेरा नाम मंजू पाल है। मेरे पति की मृत्यु होने के बाद मृत्यु हुए 12 साल होता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, आज मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैं बहुत अपने को सम्मानी के यहाँ अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपने बच्चों को पालन में ने आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। पहले तो मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा थी कि अकेले मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन एक नारी थी मेरे अंदर कि वो जो है निकले और मैंने अपने बच्चों को फिर वो किया आगे पढ़ा। छोटे छोटे बच्चे थे, आज मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। यही कठिनाई सबसे ज़्यादा, बड़ा बच्चा मेरा जेट एयरवेज है, दूसरा साइकोलॉजिस्ट है, तीसरे बेटे मेरे देहरादून में। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यक्ष नारी शक्ति संस्थान आजमगढ़। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सभी मातृशक्तियों को अपने एक श्लोक का एक मंत्र के माध्यम से प्रणाम करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र से मैं सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करती हूँ और उनको शुभकामना भी देती हूँ कि अपने जीवन में अपने बच्चों को कितनी भी कठिन परिस्थिति आए एक नए मुकाम तक पहुँचाएँ, एक मंजिल को उनको प्राप्त करें। आज यहाँ कितनी मातृशक्तियों को आप लोगों ने सम्मान किया अपने संस्थान के तहत? हमारे शक्ति संस्थान ने आज 5 मातृशक्तियों को सम्मानित किया है और उन मातृशक्तियों को सम्मानित करके आज हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपने बच्चों के लिए एक अथक परिश्रम करते हुए बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा दिया है।